हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हेवी वर्क वाली सूट की कटिंग बताऊंगी। ये हमारा सूट पीस है, हम इसी में कटिंग कैसे करते हैं वो देखिए। तो ये इसको हम ओपन कर लेते हैं और फ्रंट वाले को यहाँ से जो स्टिच है इसको हम खोल लेंगे। तो पहले फ्रंट वाले को कट करेंगे, ये हमारी हेवी वर्क है तो इसको पहले हम यहाँ से ये जो स्टिच किया हुआ है इसको यहाँ से पहले हम खोल लेते हैं इस तरह से। तो पहले हम फ्रंट वाली को कटिंग करेंगे तो इसको हम इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हैं। तो हम बराबर से इसको ऊपर नीचे देख लेंगे, यहाँ जो ऊपर नीचे जितना है वर्क ऊपर भी उसी तरह बराबर से इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने इस तरह से अच्छे से इसको फोल्ड कर ली। अब हम इसमें मैनेजमेंट लेते हैं कि हमारी सूट की ये साइज कितनी है। तो हमारी सूट की लंबाई हमें रखनी है 39 इंच। तो यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं इस तरह से और इस तरह से। अब हम इसकी चेस्ट देखते हैं, चेस्ट हमें तो यहाँ से हम 7 पे चेस्ट का मार्क देख लेते हैं। तो चेस्ट देखते हैं कितना रखना है। तो चेस्ट हमें रखना है 10 इंच, 10 हमारा फिटिंग है तो हम मार्जिन रखेंगे तो 12 रख लेंगे, 2 इंच मार्जिन। और अब हम चेस्ट देखते हैं तो चेस्ट हमारी है, चेस्ट तो हो गई। अब हम कमर देखेंगे तो कमर हमारी है 9 इंच, तो 9 फिटिंग पे मार्क कर लेते हैं। और हम 11 पे मार्जिन, 2 इंच मार्जिन रख लेते हैं इस तरह से। अब हम हिप देखते हैं तो हमारी हिप है 10 इंच, तो हम 12 रखेंगे मार्जिन इस तरह से। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो इस तरह से यहाँ फिट का निशान लगा लेंगे इस तरह। और फिर हम यहाँ से यहाँ ये हमारी यहाँ चाक बनेगी और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है। अब हम नीचे हमें देखना है कितना घेर रखना है, तो वो है हमारे नीचे की घेर है 11 इंच, तो हम 12-30 रख लेंगे और इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसको कटिंग करके निकाल लिया है। ये फ्रंट वाली ये कटिंग हो गई। अब हम इसको इसी को रख के बैक वाली को कटिंग कर लेते हैं। मैं इस फैब्रिक में बैक वाले को रख के फ्रंट कर लेते हैं इस तरह से, अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से बराबर से। तो इसके ऊपर फ्रंट वाले को रख के बैक वाले को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर डाल लेना है बराबर से और दोनों को बराबर कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। हम पूरे को इसी तरह बराबर से कटिंग करते जाएंगे इस तरह से, पूरे को। तो ये हमारी बैक वाली कटिंग हो चुकी है। अब हम गला इसमें कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन रखना है। तो अब हम इसमें बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बाजू इसमें कटिंग करते हैं। वो मैं 3/4 रखना है तो बैक वाली और फ्रंट वाली कटिंग हो चुकी है, हम बाजू कट कर लेते हैं। तो इसमें हमें बाजू कटिंग करना है, हमें दोनों बाजू एक ही बार में निकालना है। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लिए हैं इस तरह। अब हम इसमें बाजू की कटिंग कर लेंगे इस तरफ से और इस तरह से फोल्ड कर लिए। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करते हैं। तो पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं, हमारे बाजू की लंबाई कितनी है। तो हमारे बाजू की लंबाई रखनी है, तो हमारे बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो हम 18 पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको हम गोल ड्रॉ कर लेते हैं। और हम इसकी बाजू की नीचे की गोलाई है 10 इंच, तो हम
टेन का हाफ होता है फाइव, तो फाइव हमारा ये फिटिंग है। हम 6.5 पे मार्क कर लेते हैं, 1.5 इंच हमारी मार्जिंग रहेगी और इस तरह यहाँ से ये हम फिट पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और ये हमारी मार्जिंग है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब फिर हम इसको इधर की तरफ से तो ये हमारी दोनों बाजू कट हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसके बीच से कट कर ले, तो इसको बीच से कट करके दोनों बाजू को निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी हेवी वर्क की सूट की कटिंग हम पूरे स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया। अब हम गला इसमें बाद में कटिंग करेंगे, तो वो मैं बाद में बताऊंगी जिस डिजाइन में हमें रखना है इसमें इस तरह से। तो बैक वाली फ्रंट वाली की ये सूट की कटिंग हो गई। तो कैसी लगी हमारी ये हेवी वर्क वाली सूट की कटिंग? तो जिन्हें बिल्कुल भी सूट की कटिंग नहीं आती हो, अगर मार्केट से लाकर इस तरह से कटिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से ये वो हेवी वर्क वाली सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।